Hey guys, welcome to my new vlog। और आज सुबह के 5:54 लगभग हो रहे हैं और आज मम्मी और पापा हमारे बनारस जा रहे हैं, हमारे यही गौरीगंज के ही गीता राम ज्वेलर से लेके जा रहे हैं मम्मी पापा को। हालांकि मम्मी पापा को नहीं, वो वार्ड नंबर 1 के जितने भी एक हर एक घर से, वार्ड नंबर 1 के हर एक घर से एक लोगों को बनारस लेके जा रहे हैं। नई बस लेके आए हैं वो, इसीलिए सबको बनारस लेके जा रहे हैं। और मेरे भी मम्मी पापा जा रहे हैं उन्हीं सब लोगों के साथ, गांव के भी एक एक मेंबर एक एक घर से गए हैं। और हम देखने चलते हैं कि अभी पापा को मैंने फोन करके पूछा कि बस निकल गया है कि है, तो चलते हैं और देखते हैं कि बस है कि निकल गया। पता नहीं, हम चिन्हित ना है। अंदर चला, अम्मा अभी नहीं बैठे। स्पीकर ऑन करिए भैया। तो फाइनली गाइस, मम्मी पापा जो है बस पे बैठ गए हैं, लेकिन बस आप देख सकते हैं मेरे पीछे उधर उस साइड वो बस लगा हुआ है, लेकिन अभी बस चला नहीं है। बस चलेगा और जाएगा और हम भी मम्मी पापा से मिले हैं और अब जा रहे हैं घर, क्योंकि अभी खाना बनाना है। इसके बाद जो कुछ थोड़ा बहुत होगा बनाएंगे खाएंगे, फिर उसके बाद बाकी का ब्लॉग। अभी मतलब कि फ्रेश हो चुके हैं, अब इसके बाद देखते हैं किचन में क्या क्या बना है। चलते हैं, देखते हैं, पहले देखते हैं कि देखते हैं देखें थोड़ा बहुत खाना बना है कि नहीं। किचन में चलते हैं, रुको पहले, और इसको जुगाड़ू गेट को हटाते हैं पहले, इसको साइड में रखा। अब अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है। ओ, इसमें तो चावल और एक में ये चाय। हाँ बस चाय, चलो बढ़िया है। दो चीज तो बना, बाकी चाय को गर्म कर लूंगा, चावल सब्जी बना के खा लेंगे। और बाकी चाय टोस्ट तो मैंने अभी लेके आया था, बस वैसे हल्का फुल्का। और बाकी शाम का ये चावल है, शाम का चावल बचा हुआ है और थोड़ी सी दाल जो चावल के साथ खा लेंगे। बाकी फिलहाल तो अभी चाय और टोस्ट को खाते हैं। पहले चाय को गर्म कर लेते हैं, माचिस कहाँ है रुको, चाय को गर्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद चाय टोस्ट खाने के बाद फिर बाकी का ब्लॉग शूट होगा। खाना तो मैंने तैयार कर लिया है, हालांकि मेरे पास ये दही है और ये बासी दाल है, ये सब्जी और ये चावल मम्मी ने बनाया ही था, और पानी। अब चल रहा हूँ खाना खाने, बाकी तो मैंने खाना लगा लिया है, बस शुरू करने ही वाला हूँ।